पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा नदी का पानी। गांधी घाट डूबने की वजह से आसपास के इलाके में हाई अलर्ट। बिहार के गोपालगंज में बारिश से सरकारी अस्पताल की हालत देखी खराब, हॉस्पिटल की पूरी इमारत में भर गया पानी, मरीजों और मेडिकल स्टाफ की बड़ी परेशानी। यूपी के इटावा में तेज बारिश के चलते अंडरपास में जलभराव हुआ, बस समेत कई वाहन पानी में फंसे, जेसीबी की मदद से बस को निकाला गया। एमपी के ग्वालियर में टला बड़ा हादसा, बारिश के कारण गिरी स्कूल की छत, घटना से कुछ मिनट पहले ही छात्रों को इमारत से निकाला गया था बाहर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, जान जोखिम में डालकर रोड पार कर रहे हैं लोग, 6 गांवों से टूट चुका है पूरी तरीके से संपर्क। पलसाड़ में नदी की तेज धारा में निकली शव यात्रा, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे लोग। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी उफान पर, नदी के आसपास बसे इलाकों में प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, गज सिंहपुर शहर हुआ जलमग्न, लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। जोधपुर में लूनी नदी में एक युवक बहा, जान बचाने पानी में उतरे 5 युवक भी बहाव में फंसे। गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी जल जमाव हुआ, रुकमणी गांव पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में। लाहौल स्पीति में मनाली काजा हाईवे पर रेस्टोरेशन का काम लगातार जारी, लैंडस्लाइड के कारण टूट गई थी सड़क। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी, नाले में आई बाढ़ से घरों और स्कूल के शौचालयों को खतरा, लैंडस्लाइड के चलते 100 से ज्यादा सड़कें हैं ठप। कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में हुआ छोटा धमाका, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हरियाणा के सिरसा में कल तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवाएं, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश, कालावली डेरे में गद्दी के विवाद के चलते फैसला। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी सफलता, सूरत के ड्रग्स फैक्ट्री के मामले में मुंबई से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी, एक फ्लैट से बरामद हुआ करीब 800 करोड़ का ड्रग। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन ईगल, 500 से ज्यादा पुलिस टीमों ने ड्रग हॉटस्पॉट पर की रेड, भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त। पंजाब के मोहाली में पुलिस कर्मियों को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर अपराध से जुड़े 21 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भोपाल में शराब कारोबारी के ऑफिस से 10 लाख से ज्यादा की लूट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के रतलाम में जर्जर इमारत तोड़ने गई नगर निगम की टीम पर ही हमला किया गया, स्थानीय लोगों ने मारपीट और गाली गलौज की। यूपी के हापुड़ में सब इंस्पेक्टर ने महिला को मारा थप्पड़, हवा में पिस्टल लहराता भी आया नजर, हापुड़ पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर शख्स ने हाथ में हथियार लेकर बनाई रील, गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर लहराई बंदूक। बिहार के मुजफ्फरपुर में विस्फोटक पदार्थ में धमाका हुआ, ब्लास्ट में 5 बच्चे झुलस गए, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों का ऐलान, 33 लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, चंद्रयान 3 के वैज्ञानिकों इंजीनियर्स को अवार्ड।
लोकसभा में वायनाड हादसे पर बोले राहुल गांधी, कहा केंद्र राज्य सरकार एनडीआरएफ सेना ने अच्छा काम किया, केंद्र से पुनर्वास पैकेज की जरूरत। राजनाथ सिंह और अमित शाह की अहम बैठक, जेपी नड्डा, शिवराज चौहान, भूपेंद्र यादव और खट्टर भी मीटिंग में रहे मौजूद, विधानसभा चुनाव और किसानों के मसले पर चर्चा। 78वें आजादी महोत्सव पर गुजरात में मनाया जाएगा हर घर तिरंगा उत्सव, गांव और महानगरों में बसे लाखों लोग अभियान से जुड़ेंगे। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव घोषित, 26 और 27 अगस्त को होगा इलेक्शन। दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद, सोनिया गांधी से भी हुई मुलाकात। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में कांग्रेस, राज्य के लिए वॉर रूम इंचार्ज नियुक्त किए शशिकांत सेंथिल को महाराष्ट्र और गोकुल बुटेल को हरियाणा की दी जिम्मेदारी। एसएपी शरद पवार गुट महाराष्ट्र में निकालेगा यात्रा, 9 अगस्त से छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ शिवनेरी से होगी स्वराज्य यात्रा की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा चुनाव आयोग दौरे पर आ रहा है, सरकार से परामर्श के बाद तारीखें तय करेंगे। यूपी उपचुनाव के लिए बीएसपी की रणनीति तैयार, सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जीत का किया दावा। देश के अवसर पर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 40 लाख परिवारों को 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 9 अगस्त को सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष में दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी की परीक्षा को लेकर नई याचिका दर्ज, एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने की उठाई गई मांग। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, 27 अगस्त को होगी अब अगली हेयरिंग। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच तेज, सीबीआई ने दर्ज की एक और एफआईआर, संस्थान के सह मालिक और सीईओ अभिषेक गुप्ता को बनाया गया आरोपी। दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में 14 मौत का मामला, हाईकोर्ट ने समाज कल्याण सचिव से मांगी ताजा स्टेटस रिपोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई। 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान फैजान की पीट पीट कर हुई हत्या का पूरा मामला सीबीआई को सौंपी गई केस की जांच। मध्य प्रदेश में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी, इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले के मामले में ये बड़ी छापेमारी। झारखंड कोल माइनिंग केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, गैंगस्टर अमन साहू का करीबी आकाश, अब तक कुल 26 लोग अरेस्ट। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम मामले में सीबीआई की छापेमारी, राज्य में 13 लोकेशन पर रेड। नेपाल के शिवपुरी में हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बड़ा हादसा, विमान में सभी 5 लोगों की दर्दनाक मौत, सूर्यचौर पहाड़ी से टकरा गया था हेलीकॉप्टर। यमन में बाढ़ के कारण तबाही का मंजर, अब तक 30 लोगों की गई जान, सैकड़ों लोग अपने ही घर छोड़ने के लिए हुए मजबूर। कमला हैरिस ने टिम वॉल्स को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार चुना, मिनेसोटा के गवर्नर हैं टिम, अमेरिकी आर्मी का हिस्सा भी रहे थे। अमेरिका में पाकिस्तानी गिरफ्तार चौकी की हत्या का आरोप, सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था। लेबनान और इसराइल में तनाव के बीच बेरूत एयरपोर्ट पर पड़ी हलचल, अमेरिका फ्रांस समेत कई देशों के नागरिक सुरक्षा के लिए छोड़ रहे हैं लेबनान।